वहीं चल के मिलते हैं। यहाँ पे एडवेंचर भी काफी ऑप्शन है, एडवेंचर करेंगे। लड्डू को आ रही है नींद, इसलिए लड्डू को आ रहा है गुस्सा, क्योंकि सोने दे नहीं रहे हैं। घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं इसके अंदर। रोबिन टाइम क्या हुआ है? टाइम हुआ है 2:39। आइए 40 मार लो। फिलहाल हम आ गए एडवेंचर में। ये बिल्कुल सरिता ताल से बिल्कुल जस्ट क्लोज में है, और सरिता ताल में बैलून में नहीं घूमे तो कुछ एंजॉय नहीं किया, इतना मजा उसमें आया। हालांकि हम जल्दी उतर गए, लड्डू रोने लगी थी तभी उतर गए थे, लेकिन उसे एक मिनट में भी बहुत मजा आया। अभी हम जा रहे हैं एडवेंचर में, क्या क्या एडवेंचर करेंगे देखेंगे, क्या क्या गेम यहाँ पे है। तो कैसा लग रहा आपको यहाँ के? यहाँ पे आके ना लड्डू सो गई है मेरी लड्डू। हाँ जी, अभी हम कहाँ पाए? खुरपा ताल है ना? हाँ खुरपा ताल। कभी हूँ यहाँ से। अच्छा, ऊपर क्लाउड आ गए हैं, बादल आ गए हैं, पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा। चलिए चलते हैं देखते हैं। A few moments later. अभी हम जा रहे हैं सुसाइड पॉइंट, तो अभी वहाँ का आपको व्यू दिखाते हैं। सुसाइड पॉइंट की स्टोरी क्या है भैया? सुसाइड पॉइंट की स्टोरी क्या है भाई? पॉइंट की स्टोरी ये है भैया, कि नैनीताल है, अंग्रेजों ने बसा है। ओके। अंग्रेज की लड़की थी, हिंदुस्तानी लड़का था। ओके। वहीं से लग करके सुसाइड किया है, जबी से उसका नाम रख दिया है सुसाइड पॉइंट। ओके। वहीं से जो है हॉर्स वगैरह भी चलते हैं, ये अब से नहीं ब्रिटिश टाइम से चलते हैं हॉर्स। ओके। अंग्रेजों के टाइम से। अच्छा, फिलहाल कोई मिस्ट्री ऐसी कुछ नहीं है उसकी परसेंट में? नहीं नहीं, परसेंट में सब कुछ नॉर्मल है। तो हर कोई आता है वही पॉइंट देखता है, सर चले जाते हैं, वो विजिट टाइम में ही होता है, वहीं से लव कर देते हैं। लवर्स पॉइंट है ये? यस, ये लवर्स पॉइंट है। और अभी चलते हैं हम लोग आगे। हेलो कनिका, कनिका आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा। आपको नैनीताल कैसा लगा? अच्छा। कैसा लगा? बताओ। मुझे अक्षरधाम ज्यादा अच्छा लगता है। अंजलि, कनिका को अक्षरधाम ज्यादा अच्छा लगता है यहाँ से? ज्यादा अच्छा लगेगा, घूमेगी ना थोड़ी देर तो अच्छा लगेगा। ठंड तो लग रही है आपको? चलो अगर लगे तो बता देना। चलो चलते हैं। और ये लवर पॉइंट का रास्ता, हम लोग जा रहे हैं लवर पॉइंट में, और भी नीचे की तरफ जा रहे हैं। यस, पहले तो घूम के आते हैं। मैगी। ओके।
आई सी थी अच्छी सी। ठीक है, और ये रास्ता नीचे की तरफ जाता है लवर्स पॉइंट में, लोग जा रहे हैं लवर्स पॉइंट। ये यहाँ पे स्टॉल लगे हुए सारे। चलो अभी चलते हैं, कहीं का हैंड पोड़ो मम्मा का, और अभी सामने हमारा लवर पॉइंट, ये देखिए क्या अल्टीमेट व्यू है। आगे नीचे जा रहे हैं अंदर, आराम से हैंड पकड़ के, है ना। ओके, फाइनली ये है लवर पॉइंट का व्यू। और यहाँ पे बिल्कुल ऊपर की तरफ लवर पॉइंट का व्यू है पूरा, हमने कैप्चर किया है। काफी ऊंचाई है यहाँ पे भी, ये देखिए। मुझे जुकाम जैसा फील हो रहा है, इन्हें जुकाम करवा लिया, जैसे ऐसा लग रहा है। कनिका कनिका नमस्ते। और अभी हम क्या ले रहे हो आप? नहीं, ये क्या है हाथ में? क्या करोगे बेटा इसको? उठाओ डस्टबिन, डस्टबिन के लिए ले रहे थे ना आप इसको, या आपको इसका कुछ और यूज करना? लाओ, चलो कहाँ डस्टबिन, कहाँ डाल के आओगे? डाल के आओगे, वेरी गुड। और लोग बोल रहे हैं कि मेरे को नहीं मालूम, फिर मैं मतलब उस वाले वीडियो में बोला ना, तो है ना ऐसा लगता है मतलब हंसू या जवाब। उनको बताओ ना रे वहाँ पे। सर रखा 12 फुट ट्रेकिंग पॉइंट। अच्छा सर, एक बार दोबारा बताएंगे आप? इसको बोला जाता है सर 12 फुट ट्रेकिंग पॉइंट। ओके, पहले अंग्रेज लोग जो है इसको बड़ा फत्तर बोलते थे, बड़ा बड़ा, उनसे सर इसका नाम नहीं लेना है। ओके, तो उन्होंने इसका नाम जो है 12 फुट ट्रेकिंग एरिया नाम रखा है। यहाँ पे जो है ट्रेकिंग वगैरह भी सिखाया जाता है। ओके, जो आपको रॉक से दिख रहा है ना टीन शेड का, हाँ जी, इसमें चढ़ना उतरना सिखाते हैं, ऊपर पहाड़ी में चढ़ना उतरना सिखाते हैं। आप थोड़ा और नीचे करो। ओके, ऊपर वाली पहाड़ी दिख रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये इस वाली पहाड़ी में सिखाया जाता है। ओके, जो रस्सी दिख रहा है ना आपको, ठीक है हाँ, जो पूरा रस्सी है, पूरा रस्सी। ओके, पूरा 12 फुट ट्रेकिंग पॉइंट। ओके ओके। अच्छा भैया, एक 12 पत्थर वो था जिसमें से हवा बड़ी, हाँ वो ठंडी गुफा पॉइंट है। मैं अच्छा ठंडी गुफा पॉइंट, हाँ चलिए अब गुफा भी आ गया। अब हम लोग ठंडी गुफा में जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। तो अभी हम ठंडी गुफा पे जाएंगे, है ना भैया? हाँ अभी ठंडी गुफा पे जाएंगे। अभी हम ये ठंडी गुफा पॉइंट। अच्छा ठंडी गुफा पॉइंट, चलिए चलते हैं। ये ठंडी गुफा पॉइंट, आओ आपको दिखाते हैं आपको ना। इसके अंदर भी जाएंगे? नहीं, इसके अंदर नहीं, ऊपर चढ़ना रहता है, ऊपर से दिखाना रहता है। और अभी टाइम हुआ है रात के 9:42 और हम लोग जा रहे हैं घर। ये देखो लड्डू। और ट्रेन हमें मिली नहीं, ट्रेन की ना टिकट भी कोई। अभी सुबह के 5 हुए हैं और हम अभी घर आए हैं। सुबह के 5 तो नहीं बज रहे, अभी 5 अभी नहीं आए, 58 हुए हैं। हम रात आए थे। नहीं बेटा, 5:58 हुए हैं, हम अभी 10-15 पहले घर आए हैं। अच्छा, बहुत थका हुआ फील कर रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा। नमस्ते, सॉरी नमस्ते, बहुत थकान महसूस हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी आंखें नहीं खुलेंगी। अभी मुझे 5-6 सोना होगा, उसके बाद ही कुछ काम हो पाएगा। बहुत थक गई हूँ, बेशक कंफर्टेबल आ रहे थे लेकिन फिर भी बहुत थक जाते हैं, बहुत ज्यादा। घर से बाहर सुकून नहीं मिलता है। अब घर आ गए तो ऐसा लग रहा है बस जल्दी से लेट के सो जाऊं। रोबिन गए हैं अभी नीचे, आज सैटरडे है तो रोबिन का ऑफ है, रोबिन नीचे गए हैं उनको छोड़ने के लिए। दूसरे दिन शो देवर और देवरानी जी को नीचे छोड़ने गए हैं, आ गए हैं। अब हम बनाएंगे चाय और हम पियेंगे थोड़ी सी चाय, और चाय पी के वापस हो जाएंगे ना? नहीं पता नहीं। अच्छा पता नहीं क्यों, आप तो कह रहे हैं आपका ऑफ है, आप कह रहे थे ना आपका ऑफ है। ऑफ है, अभी मैसेज देखो। मैसेज? हाँ पता नहीं ना अभी। चलो आप बात कर लेना, चलो तो फिर चाय पी ले रहे हैं। मम्मा चाय तो एटलीस्ट पी लो ना, फिर अगर आपका हुआ तो आप निकल जाना, मैं तो सो गई। मम्मा रिमोट, मैं तो बहुत थक चुकी हूं। मम्मी रिमोट कहां है?
बेटा रिमोट वहीं रखा था मैंने, वहीं पे देख लो, देखना ब्लैंकेट के नीचे तो नहीं हो गया किसी के। मैं जा रहा हूँ चाय बनाने। हाँ जी, अब मैं जा रही हूँ बच्चों के पास। गर्म गर्म चाय बस, अगर थके हुआ बहुत बहुत ज्यादा। घर आते ही मैंने घर थोड़ा सेट किया, मैं बच्चों के पास जाती हूँ। लड्डू ने नमकीन गिरा दिया। नहीं मिला, नहीं मिला। चलिए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। आज के लिए शूट करूंगी मैं इतना ही। एज ऑलवेज थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर केयर, फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाय, टेक केयर।